हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद 6 दिनों से चल रहे आमरण अनशन को प्रशासन द्वारा खत्म कराया गया। जी हां, खबर भदोही जिले से है, जहां देर रात से चल रहे हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद 6 दिनों से चल रहे आमरण अनशन को प्रशासन द्वारा खत्म कराया गया। वहीं अनशनकारियों ने पुलिस के कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि कल देर रात पुलिस ने जबरन अनशन खत्म करने की कोशिश की, अनशनकारियों को जबरदस्ती थाने ले गई। अब शब्द कहने की बात पुलिस द्वारा कह जाने के आरोप लगे हैं। आइए देखते हैं भदोही से संवाददाता अनंत देव पांडे की रिपोर्ट। ये इनके गांव में एक ईडीए का पद होता है, तो जो लाभार्थी होना चाहिए उसमें 3 मापदंड थे। निवास को लेकर थोड़ी सी अलग अलग जगहों से अलग अलग रिपोर्ट मिली और इन्होंने कई जगह एप्लीकेशन भी दिया, तो उसी के संदर्भ में चूँकि अभी तक इनका निस्तारण नहीं हो पाया, तो हमारे जो SDM साहब हैं उन्होंने अपने जो है भेजा मुझे, उन्होंने कहा कि जाइए इसको समझदार के साथ। एक बात ये सामने भी आ रही है कि ग्रामीण डाक सेवा पद से कोई था जी, गलत भर्ती की गई है। जी जी जी, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, गलत क्या, अभी उसमें 3 मापदंड हैं, उसमें एक निवास प्रमाण स्थायी निवास या अस्थायी निवास, वही एक मुद्दा है जिसको देखेंगे हम, देखते हैं इसको जांच करवाते हैं सक्षम अधिकारी से, जो भी कार्रवाई होगी। ये भी रहा है कि कल देर रात पुलिस यहाँ पे आई है, इसे गाली गलौज की है, जबरदस्ती को थाने ले गए, क्या कहेंगे? नहीं, गाली गलौज तो खैर नहीं हुई, चूंकि धारा 144 लागू है तो उस संदर्भ में थोड़ा सा इनको मना किया गया होगा, ऐसी कोई जानकारी नहीं कि गाली गलौज। थैंक यू। क्या हुआ था कल यहाँ पे? कल महेश कुमार शुक्ला अन्ना का 5वां दिन का जो आमरण अनशन चल रहा था, तो शाम को करीब हमने 7 बजे इनसे मिलने के लिए जो है स्थान स्थल पर पहुँचे हैं, तो यहाँ पर महेश कुमार शुक्ला जो है यहाँ पर नहीं थे। कुछ लोगों से मुझे जानकारी मिली कि इनको पुलिस ने जो है ज़बरदस्ती जो है थाने उठा ले गई है, तो मैंने यहाँ के बाद थाने पर पहुँचा हूँ। थाने पर जो है वहाँ पर प्रशासन व्यवस्था जो उनकी थी हमको मिलने नहीं दिया गया, और जानकारी लेने के बाद यह जानकारी मुझे पास प्राप्त हुआ कि इनको माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ दे करके पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती जो है इनको घसीटते हुए उठा ले गया है। इसके बाद जो है इनके साथ जो बर्बरता पुलिस ने किया है, मैं तो समझता हूँ कि अंग्रेज़ों की हुकूमत को पीछे छोड़ दिया है। ऐसे पुलिस की रवैयों को मैं भ्रष्टाचार में लिप्त पाने पर मैं उनका कड़ी निंदा करता हूँ, और साथ में आप लोगों आपको मैं यह बताना चाहूँगा कि इनकी जो 5 सूत्री मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं। अगर पुलिस विभाग यह कहता है कि जो है अनुमति नहीं ली गई, तो अनुमति की बात नहीं, उन्होंने जानकारी दे चुके हैं, किंतु जो है 144 का उल्लंघन इनके द्वारा नहीं हुआ है। ये शांतिपूर्वक से 2 व्यक्ति अनशन पर बैठे हैं, तो कोई 144 का उल्लंघन नहीं है। मैं तो बताना चाहूँगा शहर के माध्यम से कि जो हिटलरशाही चल रही, हिटलरशाही सिकंदर की नहीं चली, क्योंकि अमीर शहर क्या शाहे कलंदर डूब जाते हैं, मेरे नज़रों के सामने समंदर डूब जाते हैं। भ्रष्टाचारियों को मैं बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की यह धरती है, इसमें सिकंदर डूब जाते हैं, क्योंकि इनकी जो मांग है 5 मांगें जो हैं, एक तो मांग इनकी है डाक ग्रामीण डाक सेवा के में फर्जी नियुक्ति, दूसरा मांग हमारा पशु को लेकर के है, तीसरी मांग इनका जो है मातृ शिशु कल्याण रूप केंद्र सदोपुर में स्थित है उसमें जो जर्जर हालत में निर्माण कार्य हो, चौथी मांगे हैं गरीब वनवासियों का पट्टा दिलाया जाए, और जो है 5वां मांग है इनका ग्राम प्रधान सदोपुर द्वारा कई बार आय व्यय की अभिलेख जो है मांगा जा रहा है, कर्म की बाजी गरी का इस्तेमाल करते हुए जो है उन्होंने आय व्यय देने में हिला हवाली किया जा रहा है, भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जा रहा है। पिछले जो है तालाब लालमणि चौरसिया द्वारा जो है अनेस ग्राम सभा में एक तालाब पे 12 बीघा जो है जमीन पर अवैध दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, इनकी बात जो है बार बार कहने के बावजूद पीड़ा दी जा रही है लेकिन सुना नहीं जा रहा है। इसलिए मैं जो है सत्ता शासन को में हमारी आवाज़ मीडिया के माध्यम से जो है पहुँचाया जाए कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, ये भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त भय मुक्त की बात जो करते हैं, यह जो है भदोही जनपद भ्रष्टाचार से ग्रसित है। इसी के बाद मैं अपने बातों को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। जी, ये बताइए कल क्या हुआ है और किन चीज़ों को लेके आप ये अनशन कर रहे हैं? 5 सूत्री मांग के लेकर अनशन कर रहे हैं, आज 6ठा दिन है। 1/1/2020 से हमारा आमरण अनशन चल रहा है, और नोटिफिकेशन दे के एक नोटिफिकेशन दिए 1 महीने हो गए सर। कल आए हैं यहाँ पे ज्ञानपुर के कोतवाली से आए हैं, और बोल रहे हैं आप लोग किस लिए बैठे हैं, तो हमने उनको बताया कि 5 सूत्री मांग के लेकर बैठे हैं, एक फर्जी नियुक्ति हुई है हमारे ग्राम में, और दूसरा आवारा पशु का मैटर है, और हमारे सदोपुर ग्राम प्रधान का आय का जोखा लेखा है, मातृ शिशु कल्याण का है, माने मुसहर का आवासीय पट्टा के लेकर है, आवास के लेकर है,
तो बोले कि नहीं नहीं आप लोग गलत तरीके से बैठे हैं। हम कहा नहीं सर, गलत तरीके से नहीं बैठे हैं, हम दो ही लोग बैठे हैं, किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं है, हम कानून को जानते हैं, कानून के रूप में हम बैठे हैं। कहे नहीं नहीं तुम गलत कर रहे हो, यहाँ बैठो नहीं भी मारेंगे चार जूते, और माँ बहन के गाली देने लगे और घसीटते उनके आदमी को, घसीट लो इसको बैठा लो। तो हमने कहा भाई कि प्रशासन है तो हम बैठा के जबरदस्ती उन्होंने बैठाया, और जबकि वहाँ के तहसीलदार साहब भी आए थे ज्ञानपुर के, उसमें भी बातचीत हो रही थी, उनकी सारी बातें बता रहे थे और एक एक चीज को सुन रहे थे, कह रहे ठीक है जैसा रहेगा। लेकिन उनका इस प्रकार से हमको टार्चर कर रहे थे कि बोले बंद करो नहीं मारेंगे चार जूते, और तो ले गए यहाँ पे, वहाँ पे कोतवाली ले गए, वहाँ पे हमको टार्चर कर रहे थे कि आप लोग अनशन बंद करो नहीं किसी धारा में बजा देंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भगा देंगे, बड़ी नेतागिरी निकल जाएगी, ऐसी बातें हम कर रहे थे। तो बोले कि आप नहीं चाय पियो, हम कहा नहीं चाय नहीं पियेंगे क्योंकि हम अनशनधारी हैं, हम अनशन करेंगे। तो बोले कि अच्छा यहाँ पर भाग जाओ। हाँ, तो हमको वहीं छोड़ के, हमको हमारे सहयोगी लाल मेन चौरसिया दी थे, वहीं हमको छोड़ दिए। तो हमें किसी तरह हम फिर दोबारा हम यहाँ पे अपने मुख्यालय पे पैदल मार्च करके आए, और वहाँ पे ही मैंने सोया रात को, अपने भाई बंधुओं से बतलाया, और यहाँ आकर फिर आज फिर सुबह मैं सुबह से ही फिर यहाँ पे आकर बैठा हूँ, और हमारी भाई बंधु लोग आ रहे हैं कि क्या क्या हुआ। हाँ, आंसर जारी है हमारी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा नया वीडियो आने वाला आपको जल्द से जल्द मिल जाए, और हमारे बेल आइकन को टैप करना ना भूलें।